हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं लॉलीपॉप हाइलाइटर। सो चलो देखते हैं, वीडियो पसंद आएंगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो चलो देखते हैं। सो गाइस, आपको लेना है ये देखो 2 ओल्ड स्पून्स, वो भी आपको ऐसे सर्कल वाले लेने हैं देखो। सो यहाँ पर ये मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए थे, सो मैंने सोचा चलो इसका हम लोग ना हाइलाइटर बनाते हैं, वो भी बहुत यूनिक तरीके से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है सीजर, एंड सीजर से सिर्फ आपको सर्कल से इसको कट कर देना है। सो ये देखो यहाँ पर कट कर देना है। ये देखो गाइस, ऐसे आपको यहाँ पर सर्कल से ऐसे कट कर लेना है। सो गाइस, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिर्फ एक साइड का ही कट करना है, जो सेकंड वाली साइड है उसके ऊपर आपको आपके पास जो भी ओल्ड हाइलाइटर होगा वो आपको लेना। सो यहाँ पर मेरे पास ब्लू कलर का है, सो यहाँ पर मैं ब्लू कलर का हाइलाइटर ले रही हूँ, ये देखो। उसके बाद यहाँ पर आपका ये जो ये देखो इसका जो सर्कल होता है उसके ऊपर आपको रखना है एंड ऐसे, एंड उसके बाद यहाँ पर मैं कर लेती हूँ इसको सर्कल। जस्ट आपको ना जो आपका स्पून है उसके ऊपर आपको कर लेना है सर्कल। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें कर लिया है सर्कल, ये देखो। उसके बाद यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग ये वाले स्पून को भी कट कर लेती हूँ मैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर सर्कल कर लिया, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने हाइलाइटर को अटैच कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखो हमारा यहाँ से ऐसे लॉलीपॉप का ऊपर का रेडी हो जाएगा। सो उसके बाद यहाँ पर जो हमारा लॉलीपॉप के ऊपर का जो हाइलाइटर है उसको आपको अंदर पुश करना है। ये देखो गाइस, ऐसे थोड़ा सा हम लोग ऊपर रखेंगे बस ऐसे, एंड जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे इसी तरीके से हम लोग का हाइलाइटर रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू लेना है एंड जस्ट उसको कर लेना है स्टिक। स्टिक करने के लिए यहाँ पर आपके आप फेविकॉल लेना है, एंड ये भी बहुत यूनिक सा आइडिया, आप इसको ज़रूर घर पर भी ट्राई कर सकते हो। सो देखो यहाँ पर आपको लेना है फेविकॉल एंड कोई भी कलर की, ये देखो क्राफ्ट पेपर कोई भी कलर का। सो यहाँ पर ये है मेरे पास ये पिंक कलर का क्राफ्ट पेपर, जस्ट आपको ऐसे ही दिख रहा होगा। सो उसके बाद यहाँ पर मैं देखो ये हमारी डिज़ाइन भी बन जाएगी लॉलीपॉप की, एंड ये देखो बहुत ही अच्छा भी बन जाएगा। सो ये देखो बीच में से मैं इसको लाइन कट कर रही हूँ, ये देखो गाइस ऐसे आपको एक ऐसी लाइन लेनी है, जस्ट ऐसे इसको कट कर रही हूँ। जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ऐसी लाइन ले ली है। उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है फेविकॉल, एंड फेविकॉल आपको उसकी जो कॉर्नर है उस पर आपको ऐसे स्टिक कर लेना है। चलो, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको फेविकॉल के अच्छे स्टिक कर लिया। जस्ट उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है वो जो हमने लाइन कट की थी, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी ये वाली लाइन है जिससे हम लोग ने सेंटर से स्टिक किया था उसके ऊपर यहाँ पर मैं कर लेती हूँ ये लाइन को स्टिक। चलो, सो गाइस जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना क्यूट हमारा रियल लग रहा है लॉलीपॉप। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लाइन स्टिक कर लिया है। जस्ट अभी हम लोग नीचे की इसकी स्टिक बनाते हैं। सो अभी हम लोग ना होने देते इसको ली ड्राई, फिर अभी तक ना पूरा हम लोग का बना नहीं है उस सो गाइस, उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है कोई भी ड्राइंग पेपर। जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 ड्राइंग पेपर्स लिए हैं। सो एक तो नहीं लगेगा, फिर भी मैंने ले लिया था। उसके बाद यहाँ पर आपको कर लेना है इसको कट, ये देखो ऐसे जो अच्छे से हम लोग को बनाने वाले हैं हम लोग। सो ये देखो यहाँ पर मैं ऐसे कट कर लेती हूँ, क्योंकि आइसक्रीम की स्टिक ना बहुत बहुत छोटी होती है। ये देखो यहाँ पर ऐसे कट कर लिया, सो हम लोग को तो इतनी बड़ी नहीं बनानी है, स्टिक छोटी सी ही बनानी है। सो यहाँ पर मैं इतना ही लूँगी क्राफ्ट पेपर बस इतना सा। सो इतना सा, ये देखो कितना क्यूट सा हमारा लॉलीपॉप वाला बनेगा। सो उसके बाद यहाँ पर मैं कर लेती हूँ इसको फोल्ड।
सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऐसा पेपर लेना है, सो मैंने आपको तो बता दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको एकदम स्मॉल फोल्ड कर लेना है ताकि हम लोग ना इसका जो टोपन है वो ऊपर का टोपा बना सकते हैं। सो ये देखो यहाँ पर मैंने इसको इतना बार फोल्ड कर लिया, जस्ट यहाँ पर मैं थोड़ा सा फेविकॉल लगा दूँ। सो गाइज जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये वाली साइड्स पर फेविकॉल डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं कर लेती हूँ इसको फोल्ड। जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको कर लिया है फोल्ड। उसके बाद यहाँ पर आपको देख लेना है कि इसके अंदर अपना हाइलाइटर जा रहा है कि नहीं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से हमारा हाइलाइटर इसमें चले गया। जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लॉलीपॉप तो रेडी हो गया। सो अभी तक तो पूरा नहीं हुआ, हमें इसको कर लेना है डेकोरेट। डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर ये देखो थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड हो गया है। सो गाइस जस्ट यहाँ पर हमें डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर अभी तो हम लोग हमारे ऊपर के लॉलीपॉप को ही डेकोरेट करेंगे। सो वो ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है। जस्ट डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ पिंक कलर का मार्कर। जस्ट पिंक कलर के मार्कर से हम लोग यहाँ पर जो हमने लाइन बनाई थी उसके ऊपर यहाँ पर मैं ऐसे ज़िगज़ैग ड्रॉ कर लेती हूँ, बहुत क्यूट सा लगेगा। सो देखो गाइस यहाँ पर मैं ऐसे ज़िगज़ैग बना लेती हूँ फटाक से। सो देखो गाइस हमारा यहाँ पर हाइलाइटर बिल्कुल रेडी होता है। जस्ट आप उसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हो, सो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। सो देखो बहुत अच्छा बना है। सो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो गाइस, प्लीज़ प्लीज़। सो ये देखो यहाँ पर हमारा हाइलाइटर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ प्लीज़ गाइस, प्लीज़ प्लीज़। सो बाय गाइस, प्लीज़ बाय बाय।